यहाँ पे उत्साह का माहौल, और यहाँ पे देख सकते हैं काटा जा रहा है। राधे 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 राधे। देखिए हमारे कृष्ण जी आ चुके हैं यहाँ पे, ये हमारे लड्डू गोपाल, और यहाँ पे इनको चरणामृत से नहाया जा रहा है इनको। और आप देख सकते हैं आप भगवान जी को कपड़ा पहनाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान जी को चंदन लगाया जा रहा है, और ऐनक में उनकी अब दिखाई जा रही है कि वो सज गए हैं अब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग में पिछले व्लॉग जहाँ से एंड किया था मैंने बुन्नी के बर्थडे से, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी जन्माष्टमी के जो 12 बजे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो 12 बजने वाले हैं, अभी 10 मिनट बचा हुआ है 12 बजने में, तो उसके बाद हम लोग अभी सेलिब्रेट करेंगे जन्माष्टमी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो कृष्ण जी का पालकी है वो अभी हमने कैसे सजा रखा है, उसके बाद कृष्ण जी नहाएंगे, वो होगा उनका जन्म होगा, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे सजावटें की है हमने। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पे पापा भी आ चुके हैं, तैयारियों में लग चुके हैं सब लोग, मम्मी तो धूप वगैरह भी जलाई हैं, और इधर देख सकते हैं सभी आए हुए हैं। यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मात्र 2 से 3 मिनट बचा हुआ है अभी कृष्ण जी के जन्म में। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा, और बाहर आप देख सुन सकते हैं थोड़ा बहुत, तो गाना की आवाज़ आ रही है, मैं गाना पूरा सुना नहीं सकता क्योंकि मेरे पे कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। इसीलिए आप यहाँ का दृश्य देखिए, बहुत ही अच्छा दृश्य हो रहा है। तैयारियाँ चल रही हैं, अभी कुछ ही समय में भगवान का जन्म होगा। बज चुका है, अब पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। जाओ गाना बजाओ, गाना बजाओ। कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, अभी कृष्ण जी को नहाया जाएगा। कृष्ण जी भगवान जी के लिए जो रखा हुआ था वहाँ पे हम उसे निकाल लेंगे, सिक्का यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्साह का माहौल, और यहाँ पे देख सकते हैं काटा जा रहा है, जिसे हम लोग नाभि कहते हैं उसको यहाँ पे काटा जा रहा है। भगवान जी के नाभि को हम लोग इसे मानते हैं, खीरे को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्लास का माहौल यहाँ पे, और यहाँ पे थाली बजाया जा रहा है बच्चों द्वारा और बड़ों के द्वारा, और यहाँ पे देखिए बच्चों को भी थाली दी गई है, और यहाँ पे देखिए थाली बजाकर भगवान जी को बुलाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं उनका नाभि कट चुका है भगवान जी का, और अब इन्हें साइड में रखा जाएगा, और यहाँ पे हमारे जो आसन है वहाँ पे आएंगे अब कृष्ण जी। और राधे राधे। देखिए हमारे कृष्ण जी आ चुके हैं यहाँ पे, ये हमारे लड्डू गोपाल, और यहाँ पे इनको चरणामृत से नहाया जा रहा है इनको। और उधर उनका कपड़ा भी है जो भी नया नया आया इस बार, उनसे उनको पहनाया जाएगा। और ये रुमाल है, और ये रुमाल यहाँ पे भगवान जी को उनसे धोया जाएगा भगवान जी को उसी रुमाल से। और अब जल से उनको धोया जा रहा है, चरणामृत के बाद उनको जल से धोया जा रहा है एक बार, और जल में गुलाब का थोड़ी सी पंखुड़ियां भी हैं। और उधर मम्मी कपड़ा निकाल रही है भगवान जी का नया नया, पीले पीले वस्त्र, और वो भी आसन है, और आसन यहाँ पे लगाया जा रहा है झूले में ही। और इधर भगवान जी को नहाया भी जा रहा है, तो अब नहा तो लिए भगवान जी, अब उनको रुमाल से पोछा जा रहा है, और वहाँ पर आसन भी तैयार हो चुका है, आसन लग गया, अब तकिया लग रहा है दोनों तरफ, और यहाँ पे कपड़े से उन्हें पोछा जा रहा है। अब मम्मी उनका वस्त्र निकालेंगी और इनका वस्त्र पहनाया जाएगा, देख सकते हैं पीला पीला वस्त्र आया इनके लिए, बहुत ही खूबसूरत सा। बहुत ही लाड प्यार से इनको नहाकर धुला और पोछा जा रहा है। और आप देख सकते हैं आप भगवान जी को कपड़ा पहनाया जा रहा है यहाँ पे, दोस्तों देख सकते हैं भगवान जी को कान में कुंडल पहनाना जा रहा है अभी पापा।
ये देख सकते हैं कुंडल भगवान जी का, इधर ये पापा कुंडल खोल रहे हैं भगवान जी को पहनाने के लिए। अब बना रहे हैं कुंडल कान में। अब दोस्तों एक कान में पहना चुके हैं, दूसरे कान में पहना रहे हैं। और वहां पे देख सकते हैं दोस्तों मम्मी बाल लेके तैयार है भगवान जी को पहनाने के लिए। और इधर देखिए खिलौनों से भगवान जी का जो सेज जिसको कह सकते हैं और सजाया गया है, कारे हैं उसमें, जानवर भी है, उधर देखिए झुनझुना भी है, बांसुरी भी है और कार भी है, पेड़ भी लगा हुआ है। तो दोस्तों इनके पैर में पहनाया जा रहा है, क्या पहनाया जा रहा है मम्मी? पैर में पजनिया पहनाया जा रहा है कृष्ण जी को, देख सकते हैं आप। अब पजनिया पहना चुके हैं, अब ये क्या पहना रही हूँ मैं? अंगूठी, ब्रेसलेट भगवान जी के लिए आया है, बाला जिसको कहते हैं, छोटे बच्चे पहनते हैं जन्म के समय, जन्म के बाद वही ब्रेसलेट है, दोनों हाथ में पहनेंगे अभी, जिसे कंगन भी कह सकते हैं। और अब आ रहा है उनका माला, मम्मी माला निकाल चुकी है, पापा माला पहनाएंगे भगवान जी को, देख सकते हैं ये है माला उनका। माला को थोड़ा पीछे से बांधना पड़ेगा क्योंकि माला बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ देख सकते हैं माला पहना दिया गया भगवान जी को, और अब बाल पहनाया जाएगा भगवान जी को, और उसके बाद उनको मुकुट पहनाया जाएगा, उसके बाद उन्हें बांसुरी दी जाएगी। अब यहाँ पे भगवान जी का बाल लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, कृष्ण जी का बाल लग चुका है, घुंघराले बाल। जबरी कह रहे बड़ा बड़ा बलवा, जबरी के ठीक है ना। अब भगवान जी को मुकुट बनाया जाएगा, देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भगवान जी तैयार हो चुके हैं, उनको बांसुरी दी जाएगी, बांसुरी तो ऊपर दीजिएगा ना जब उनको रख दीजिएगा वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे भगवान जी को चंदन लगाया जा रहा है और ऐनक में उनकी अब दिखाई जा रही है कि वो सज गए हैं अब, और अब उनको पालकी में रखी जाएगी थोड़ी देर में, और उनको पालकी में झुलाया जाएगा और उनकी आरती वगैरह की जाएगी अभी यहाँ पे। तो बोलो बाके बिहारी लाल की। दोस्तों अब भगवान जी को पालकी में रखा जा रहा है, देख सकते हैं आप। मम्मी पापा दोनों मिलके यार भगवान जी को पालकी में रख दिए हैं। अब इनकी आरती की जाएगी, इनकी सेवा करी जाएगी, हम लोग पूरे साल इनकी सेवा करते हैं, रोज इनको ऐसे ही धुलाया जाता है, नहलाया जाता है, और आज तो खास दिन है, आज इनका जन्म है। आप देख सकते हैं दोनों लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे रखना है भगवान जी को। और यहाँ पे भगवान जी रख दिए हैं और पगड़ी वगैरह सही कर रहे हैं। दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि उन्हें बांसुरी दी जाएगी, तो देख सकते हैं बांसुरी दी जा रही है उन्हें, उनके लिए बांसुरी रखी जा रही है। अब यहाँ पे उनको भगवान जी झटका दे रहे हैं पापा को लगता है। अब देखिए उनको पुष्प अर्पण की जा रही है, यहाँ पे तुलसी जो माता है उनको उनको अर्पण किया जा रहा है, और साथ में कुछ फूल। अब की जाएगी उनकी आरती है ना उन्हें, अब क्या होगा,
अब भोग लगेगा दोस्तों। पहले सबसे पहले उनको भोग लगाया जाएगा, अभी जन्म लिए हैं तो पहले कुछ खा पी लें, उसके बाद उनकी आरती की जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं झुनझुना बजाया जा रहा है उनके लिए, खिलाने के लिए उनको अम्मी झुनझुना बजा रही है, पापा ताली बजा रहे हैं। ए सब ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ देख सकते हैं सब ताली बजाने में लगे हुए हैं, इधर बच्चे पार्टी सब बैठे हुए हैं लाइन से प्रसादी खाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों भगवान जी के लिए कुछ फल भी हैं और कुछ मम्मी ने बनाए भी थे वो भी है। पता नहीं जगह कम पड़ रहा है तो नीचे ही रखना पड़ेगा क्या, फिर वो भगवान जी को डुलाएंगे कैसे। देखिए इधर से ये ना गिरे, तो यहाँ तुलसी माता को अर्पण किया जा रहा है भोग। थोड़ा सा डाला जा रहा है चना अमृत में, देख सकते हैं मम्मी उनको झूला झूला रही हैं कृष्ण जी को। और यहाँ पे सभी लोग ताली बजा रहे हैं, राधे 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 बरसाने वाली राधे। अब पापा पापा की बारी है, अब बारी बारी सभी लोग आएंगे और सभी लोग उनको झूला झुलाएंगे और उसके बाद होगी उनकी आरती। आरती का भी कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है उधर, और इधर इनको झूला झुलाया जा रहा है। दोस्तों अभी मैं कृष्ण जी को झूला झुला रहा हूँ, कृष्ण जी का जन्म तो हो गया है, अब उनको उनको खिलाने का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, दोस्तों अब आरती होने जा रहा है यहाँ पे। चलो लो वीडियो बनाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगे पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव, अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आंख कोढ़िन को काया, बांजन को पुत्र देते निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। दोस्तों यहाँ पे आरती खत्म हो चुका है, अब आगे कार्यक्रम देखते हैं क्या होता है। तो पूजा वूजा तो खत्म हो गया है पूरा, अब मम्मी यहाँ पे खरना मतलब जो प्रसाद होता है उसको पहले जो व्रत में होता है वो खाता है, उसके बाद ही घर के सभी लोग खाते हैं। तो मम्मी पहले खाएंगी उसके बाद हम लोग खाएंगे, तो चलिए मम्मी अभी खा रही हैं सामने देख सकते हैं आप लोग, और पहले निकाल के थोड़ा सा रखा जाता है वो रख रही हैं। तो दोस्तों ये था आपका जन्माष्टमी का पूरा व्लॉग, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, और धन्यवाद, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली।